Today I am going to start page number 48, identity 8. क्या करना है? x cube plus y cube plus z cube minus 3xy equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx proof. We have x cube plus y cube plus z cube minus 3xy. इसका मैं लिख दिए, इसको दो भाग में तोड़ देते हैं. x cube plus y cube x r plus z cube minus 3xy. इसको होता है x cube plus y cube is equal to whole square of x plus y minus 3xy into x plus y. यहां से यहां तक की जगह पर ये लिखिए plus z cube minus 3xy. Let x plus y equal to m. x plus y equal to m माने तो हो जाएगा जहां x plus y है वहां m रख देते हैं. m cube minus 3xy into m plus z cube minus 3xyz. z cube को एक m cube के साथ ला दिए. m cube plus z cube minus 3xym minus 3xyz equal to m cube plus z cube. take as common 3xy को common ले लिए तो डिवाइड करेंगे तो m बचा और minus 3xyz में तो plus z हो गया. एक क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस एफ बी प्लस बी स्क्वायर. तो ए के जगह पर एम है और बी के जगह पर जेड है तो एम प्लस जेड माइनस इंटू एम स्क्वायर माइनस एम जेड प्लस जेड स्क्वायर इतना के जगह पर लिख दिए. माइनस थ्री एक्स वाई इंटू एम प्लस जेड. एम प्लस जेड माइनस के लेफ्ट साइड भी है राइट राइट साइड भी है इसलिए टेक एज कॉमन एम प्लस जेड डिवाइडेड बाई एम प्लस जेड वी गेट एम स्क्वायर प्लस एम जेड प्लस जेड स्क्वायर यहाँ तक और इधर डिवाइड किए एम प्लस जेड कैंसिल हो गया माइनस थ्री एक्स वाई बचा. पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम एम माने थे एक्स प्लस वाई बट इक्वल टू तो एम जहां है एक्स प्लस वाई लिख दिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का तो प्लस जेड इंटू एम स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एम जेड है तो एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई. अब स्क्वायर को एक साइड कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई यहाँ प्लस टू एक्स वाई है यहाँ माइनस थ्री एक्स वाई राइट टर्म है और अपोजिट साइन है तो साइन माइनस थ्री एक्स वाई और टू एक्स वाई में किए सॉल्व तो माइनस एक्स वाई हुआ अपोजिट साइन देन सबट्रैक्ट साइन इज ग्रेटर इसका साइन दे दिए माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड आ गया. इसको याद रखिएगा टू रिमेम्बर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. प्रूव दैट इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो देन x cube plus y cube plus z cube equal to 3xy. We have x plus y plus z equal to 0. z left side plus है, right side minus हो जाएगा. x plus y equal to minus z. Cubing both side. तो whole cube of x plus y equal to minus z cube. If x plus y का whole cube equal to x cube plus y cube plus 3xy into x plus y. और माइनस जेड क्यू इक्वल टू माइनस जेड क्यू एक्स क्यू इंप्लाई दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस थ्री एक्स वाई और एक्स प्लस वाई का वैल्यू माइनस जेड है तो माइनस जेड बैठा दिए इक्वल टू माइनस जेड क्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और थ्री एक्स वाई में माइनस जेड से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू माइनस जेड क्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जेड क्यू लेफ्ट साइड आ गया प्लस हो गया प्लस जेड क्यू
इक्वल टू 3xy राइट साइड गया प्लस हो गया 3xy। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज फैक्टर करना है। क्वेश्चन है 27x³ + y³ + z³ - 9xyz - 9xyz। इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 3x³ + y³ + z³ - 3 × 3x × y × z। देखिए 9xyz की जगह किस तरह से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 3×3 = 9xyz हो जाता है। एक किस फॉर्म में आ गया a³ + b³ + c³ - 3ab c = a+b+c इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ए के जगह पर 3x है, 3x + y + z a+b+c × a² 3x² + b² y² + c² z² -ab तो 3x into y - bc y into z - ca c z r a 3x। इक्वल टू 3x + y + z * √3x 3x × 3x 9x² + y² + z² - 3xy - yz - 3xz z × 3x - 3xz